राजधानी दिल्ली में एक तरफ ठंडा मौसम होता जा रहा है, वहीं प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, ये सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज किया गया है, जबकि 2.5 पीएम मानक से ऊपर 276.07 घन मीटर है। दरअसल ठंड के मौसम में हर किसी को धूप का इंतजार रहता है, लेकिन स्मॉग के चलते धूप नहीं दिख पा रही है, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। प्रदूषण में सुधार ना देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जो आज खत्म हो गए हैं। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद प्रदूषण में कोई सुधार नहीं आया है, जिसके चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है और सरकार अधिकारियों संग बैठक करके प्रदूषण के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।